किताबों के हाँ पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, हैं जो अधूरे हम कुछ पूरे हो जाए। किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। ए, हमेशा तुम मुझसे ऐसे साझू करके बात करते हो, तुम्हें क्या मैं पसंद नहीं हूँ? जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। कहाँ जाएंगे? जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। ठीक है। आज घर में रोमांस का मौसम चल रहा है और इसके जिंदगी में गम का लगता है। भगवान ने आज सारा गम इसे दिया है। जिमिन क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, ये सुगा कहाँ है? अभी तक उठा नहीं। मैम सुगा घर पर नहीं है, मैंने उसे कुछ काम के लिए बाहर जाए। अच्छा तो ये बिल्ली घर पर नहीं है, बाहर गए है। वो शाम होने से पहले आ जाएगा। डैड सब रेडी है? हाँ बेटा सब रेडी है, तुम दोनों जाओ। भैया आप भाभी के साथ कहाँ जा रहे हो? तो समझती नहीं है। नहीं नहीं शादी की है, डेट पे जा रहे हैं। क्या भैया और डेटिंग? कभी नहीं, ये अनरोमांटिक लड़का करेगा रोमांटिक डेट। तू क्या बोल रहा है? अगर ऐसा होता तो आज तक कितने लड़के प्रेग्नेंट हो जाती। ये बात सुनकर घर के बड़े खसने लगते हैं। खास क्यों रहे हो? पानी पियो। जिमिन तुझे क्या जान प्यारी नहीं है? मतलब क्यों शेर की गुफा में आकर उसे दबा दे रही है? आ मुझे खा, सामने देख जरा। जिमिन जंगल की तरफ देखती है। भैया वो तो इस उम्र में कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। तुझे तो स्वागत क्या है, रोमांटिक डेट क्या है, सब पता है। भैया वो मैं आप तेरा कुछ करना पड़ेगा। नहीं भैया अब गई, खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। जीन तेरी फोरहेड पे किस करती है। डैड हम आते हैं। हाँ बेटा जा, दोनों चले जाते हैं। मैं आई कमिंग सर। अरे जंगू बेटा आओ, यही तुम्हारी वाइफ है? हाँ सर, तुम्हारे डैड हमें सब कुछ बताया है, तुम फिक्र मत करो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? किम तेयोंग। जंगू तेरी तरफ देखता है। कुछ देर बात करके वो दोनों चले जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किम तेयोंग। नहीं जियोन तेयोंग। क्यों? मेरा नाम तो किम तेयोंग है, तुम मेरी वाइफ हो। और शादी के बाद पति का सरनेम ही लड़की का सरनेम होता है। ओ अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, अब तो पता चल गया ना। हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है? किम तेयोंग। नहीं नहीं जियोन तेयोंग। फोन करके
वाली। आप आधा घर वाली का मतलब जानते हो ना? दी आपकी लाइफ टाइम और मैं आपकी हाफ टाइम। सभी घर वाले शौक से जंगू की तरफ देख रहे हैं क्योंकि आज तक जंगू के साथ ऐसे कोई बात नहीं किया है। जंगू के साथ फ्लर्टिंग की जा रही है और जंगू चुपचाप सुन रहा है। ये सोयोन क्या कर रही है? भैया कुछ नहीं कह रहा है, अब तक तो इसके गल में एक थप्पड़ पड़ जाना था। इस लड़की में हिम्मत है। आई लाइक इट, अपना लाइक अपने पास रख, वरना इस लड़की के गल की जगह तेरा गल होगा। जीजू आपका फर्स्ट नाइट कैसा रहा? जंगू सोयोन का कमर पकड़ कर अपने पास खींच लेता है। जंगू का ऐसा हरकत देख कर सभी चौंक जाते हैं। भैया मुझसे कैसे बोलूं? चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तुम तो मेरी साली हो ना, आधा घर वाली। मेरा तो पूरा लाइसेंस है तुम पे। सोयोन डर जाती है। अरे जीजू मैं तो भी छोटी बच्ची हूँ, मेरा तो 14 साल भी पूरा नहीं हुआ है। ओ रियली, तुम छोटी हो? तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता है तुम छोटी हो। कोई बात नहीं, चलो ना। नहीं नहीं जीजू छोड़ो मुझे, दी छोड़ने का बोलना, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। आप मेरी जीजू हो ना तो मैं तो आपके साथ मजाक कर ही सकती हूँ, है ना? जीजू छोड़ो ना। जंगू छोड़ देता है। मैं भी तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ए भैया भी ना बेचारी डर गई है, इतनी प्यारी लड़की के साथ ऐसा कोई करता है क्या? तुझे बहुत तकलीफ हो रही है? हाँ वो तो होगा ही, भैया की साली है, वो एक बच्ची है। मुझे नहीं लगता वो एक बच्ची है। दी जीजू बहुत स्मार्ट है, सभी हंसने लगते हैं। इससे क्या हुआ? जिमिन चली जाती है। जिमिन के पीछे पीछे सुगा भी चला जाता है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं था। तो वहाँ से ऐसे क्यों चले आए? मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ रुकने का, इसलिए मैं चली आई। क्यों? मैं क्या आपको हर बात का जवाब दूँ? हाँ दोगे। क्यों दो आपको जवाब? आप क्या मुझे जवाब देते हो या कहीं जाने से पहले मुझे बोल के जाता हो? जिमी आप मुझे बिना बताए मुझसे मिले बिना उस लड़की को लाने के चले गए। जाने से पहले एक बार भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं समझा। क्यों? मैं तुम्हें क्यों बोलूं? हाँ आप मुझे क्यों बोलेंगे? मैं आपकी लड़की क्या हूँ? मैं तो आपके दोस्त की बहन हूँ। जिमी रिलैक्स। क्या रिलैक्स? मैंने आपको सुबह देखा नहीं तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने आपको फोन किया तो आपने नहीं उठाया। आप समझ सकते हो जब कोई फोन नहीं उठाता है तो कितना टेंशन होता है? तुम्हें क्यों टेंशन हो रही थी? पता नहीं क्यों टेंशन हो रही थी, बट टेंशन हो रही थी। जिमिन मुंह फुलाकर बैठी रहती है। बहुत गुस्सा हो? हाँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है तो मैं इसे सोयोन को दे देती हूँ। नहीं, जो मेरा है वो मेरा है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। मेरा चीज मुझे दो। तुमने तो कहा तुम्हें नहीं चाहिए। मैंने तो गुस्सा बोला था। आप गुस्सा नहीं हो? हाँ हूँ। तो मुझे मेरा चीज चाहिए। सुगा जिमिन को एक चॉकलेट बॉक्स देता है। मैं जानता था मैं तुम्हें बिना बताए जाऊंगा तो तुम बहुत गुस्सा हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया। तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। अगली बार मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। अगर ऐसा किया तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। ऐसा कभी नहीं करूंगा। जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें पता कर जाऊंगा। इतना सारा खाना? दी रुक जा, तू ये खाना मत खा। थी। स्कूल से
खाकर उसे कभी खाना नहीं मिलता था। हमारे घर में ज्यादा स्पाइसी खाना बनते हैं क्योंकि मेरी मम्मी को ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, जिसकी वजह से एक खा नहीं पाती थी। सोयोन चुप हो जा। जिस दिन घर में मिर्च कम होती थी उस दिन इसे खाना नहीं मिलती थी, खाने के बदले मार मिलती थी। मम्मी इसे बहुत मारती थी, मेरे वजह से भी ये बहुत बार मार खाई है। मैं कभी कभी इसके लिए छुप के बाजार से खाना ले आती थी और इसे खिलाती थी। जब मम्मी को पता चलती थी तब इसे बहुत मारती थी। इसे दो दिन तक खाना नहीं खाने देती थी। इसके शरीर पे अभी भी मार के निशान है। सोयोन देखो हक कर लेती है और जिन उन दोनों को। तूने इतना कुछ सहा है बेटा, जंको उठकर चला जाता है और सुगा उसके पीछे जाता है। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना ले आती हूँ। बहुत तकलीफ रहा है, एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस दुनिया में सभी इंसान एक जैसा नहीं होता है, किसी के अंदर इंसानियत होती है और किसी के अंदर नहीं। मेरा तो मन कर रहा है उस औरत को जेल में डाल दूं जो मेरी बहन को इतना तकलीफ दिया है। तू बेफिक्र रहे, मैं मेरी बहन की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा, उसके ऊपर दर्द का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। सोयोन। हाँ जीजू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम्हारी दी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है, A to Z। ठीक है। ते तू अभी तक सोए नहीं? नहीं। क्यों? आप भी तो नहीं सोए, तो क्या हुआ? छोटी माँ ने बोला है जब तक पति नहीं सोएगा तब तक मैं भी ना सोऊं। ये उन्होंने गलत बोला है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हो। आज के बाद से ऐसा कभी मत करना। तुम्हें नींद आए तो तुम सो जाना और भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? हाँ, अब सो जाओ। तेज सो जाती है और जंकुक भी। ए, तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करते हो? तुम क्या मुझे पसंद नहीं करते हो? तुम क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो? क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ तुमसे कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि तुम तो पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, तुम तो सिर्फ पढ़ाई और घर का काम जानते हो। सोयोन ने जंकुक को सब कुछ बताई है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला लड़का हूँ और डर भी लग रहा है। मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हारे दिल में किसी और को आने तो नहीं दोगे ना? ते, मैं दो दिन बाद चला जाऊंगा, तुम क्या मुझे भूल जाओगी? ये बात सुनकर ते के दिल में थोड़ा पेन होता है और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। ते, तुम सच में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में नहीं जानते हो? नहीं, मुझे पता नहीं है, आप मुझे समझ दो ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं अगर तुम्हें समझने जाऊं तो तुम्हें दर्द होगा और मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूं। जंकुक ते की तरफ देखता है। ते, तुम रो क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने क्या तुम्हें ऐसा कुछ बोल दिया जिससे तुम हट हुई हो? नहीं। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? पता नहीं, आपके जाने की बात सुनकर रोना आ रहा है। मुझे तो इस बात की खुशी है, मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना पाई। ते, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें तकलीफ होगा? पता नहीं, शायद हाँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मेरे लिए इंतजार करोगे? हाँ करूंगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। जंकुक तक हाथ पर लेता है। आप सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है।